السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين يا رب العالمين. जी, सबसे पहले आप सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक इल्म तजवीद कोर्स के सबक नंबर 15 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ मुहिबुद्दीन व शरिया कॉलेज से आपकी बहन बरीरा अता। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें इस क्लास का यानी कि कुरान पाक का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए कि हम कुरान मजीद को उस तर्ज पर पढ़ने के काबिल हो जाएं जिस पर ये नाजिल किया गया है। यानी कुरान पाक तजवीद के साथ ही नाजिल हुआ, तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हमने उसी तजवीद को सीखने के लिए इस क्लास को ज्वाइन किया या क्रिएट किया है, तो अल्लाह ताला हम सबको ही इसका हक अदा करने की तौफीक अदा फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, तो जैसा कि हमारा सबक चल रहा है चंद खसूसी अल्फाज की अदायगी। पिछले सबक में हमने चार पॉइंट पढ़े थे खसूसी अल्फाज की अदायगी के, ठीक है, उसी का ही बकिया हिस्सा है आज का सबक। पॉइंट नंबर 5 है हमारे पास लफ्स अलम नखलुकुम, इसके पढ़ने के दो तरीके हैं, ठीक है, यानी ये जो लफ्स लिखा हुआ है इसको हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। पहला तरीका क्या है, कौफ की आवाज, कौफ, कौफ से मुराद ये पहले वाला मोटा कौफ, ठीक है, जो मोटे हरूफ में आता है कौफ, ये डॉट्स वाला। कौफ की आवाज को बिल्कुल खत्म करके सिर्फ एक काफ मुशद्दत से पढ़ना, यानी अब क्या है, ये दो कल हरूफ करीबुल मखरज हैं, है ना, करीबुल मखरज दो हरूफ हैं, यानी कौफ और काफ इन दोनों का मखरज पास पास है ना, जबान की जड़ या जबान की जड़ से थोड़ा आगे, कौफ जबान की जड़ और बिल मुकाबल ऊपर का तालू, और ये काफ जबान की जड़ से थोड़ा आगे बिल मुकाबल ऊपर का तालू, यानी करीब करीब इनके मखरज हैं। तो जब दो ऐसे अल्फाज जिनके मखरज करीब करीब हों, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक हो, तो हम दोनों को यानी साकिन को मुतहर्रक में मुदगम भी कर देते हैं, यानी साकिन हर्फ की पूरी आवाज मुतहर्रक हर्फ में चली जाती है। तो एक हर्फ की आवाज का दूसरे हर्फ में दाखिल हो जाना इसको कहते हैं इदगाम। तो जब आवाज पूरी की पूरी मुकम्मल तौर पर एक हर्फ की दूसरे हर्फ में चली जाती है, तो पहला हर्फ पढ़ने में नहीं आता फिर, तो ये मुकम्मल इदगाम हो गया, तो इसको कहते हैं इदगाम ताम, यानी पहले हर्फ की मुकम्मल आवाज दूसरे हर्फ में चली गई। तो फिर हम इसको पढ़ते हैं अलम नखलुकुम। और दूसरा तरीका क्या है, पहले कौफ को मोटा, पहला कौफ है ही मोटा है ना, इसको मोटा अदा करें और फिर काफ को, काफ को यानी ये जो काफ है बारीक, कौफ कफ, ठीक, इसको बारीक अदा करें, इसको इदगाम नाकिस कहते हैं। अब जैसे इदगाम ताम है, तो इदगाम नाकिस क्या है, जब दो करीबुल मखरज हरूफ हों, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक, तो साकिन हर्फ की आधी आवाज मुतहर्रक हर्फ में चली जाए, तो एक तो ये इदगाम भी हुआ, दूसरा ये नाकिस है, यानी पूरी आवाज नहीं शामिल हुई अगले हर्फ में, आधी है, तो इस इदगाम में नक्स, इसलिए यह है इदगाम नाकिस। पहले हम इदगाम ताम के साथ मश्क करते हैं कि अगर हम इस कलिमे को इदगाम ताम के साथ पढ़ें तो कैसे पढ़ा जाएगा। क्या है इदगाम ताम, साकिन हर्फ मुतहर्रक हर्फ में मुदगम हो जाएगा, यानी साकिन हर्फ की आवाज मुतहर्रक में चली जाएगी, फिर हम इसको कैसे पढ़ेंगे, अलम नखलुकुम, ठीक है, हमने यही वाला काफ पढ़ना है ना, तो ये बारीक है, अलम नखलुकुम, अलम नखलुकुम,
नखलुकुम, ठीक है। फिर इदगाम नाकिस, जिसमें मोटे हर्फ की आवाज भी, मोटे कौफ की आवाज भी बाकी रहेगी। पहले हम इसको मोटा फिर बारीक, जैसे अलम नखलुकुम, नखलुकुम, ठीक है। अलम नखलुकुम, अलम नखलुकुम, कौफ मोटा और ये काफ बारीक, दोनों की आवाज आएगी। लेकिन आप ये देख रहे हैं ना कि इस कौफ की आवाज मुकम्मल तौर पे नहीं आ रही, पूरी ये तरह नहीं सुनाई दे रही, कम सुनाई देती है। तो इस तरह से ये ईदगाह में नाकिस है, ठीक है। आगे हम मजीद देखते हैं। हाँ, अगला पॉइंट हमारे पास ये तीन कलिमात हैं, ठीक है, तीन कलिमात। तो इनको, इन तीनों को पढ़ने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, एक हमजा से पढ़ें इसको, ठीक है, एक हमजा से, लेकिन खूब खींचकर। इसको कहते हैं इब्दाल। एक हमजा, यहाँ पे हमें एक ही हमजा नजर आ रहा है ना, लेकिन आपको ये नजर आ रहा होगा ना कि इसके ऊपर मद है, ठीक है। इसको हम पहले समझ लें, फिर मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या है। पहला तरीका ये है कि इसको हम एक ही हमजा के साथ इस हमजा को खींच कर अदा करते हैं, इसको कहते हैं इब्दाल। और दूसरा तरीका क्या है, दो हमजा, ठीक है, दो हमजा, उसमें से दूसरे हमजा को नर्म पढ़ेंगे, ठीक है। इसको दो हमजा के साथ पढ़ेंगे, लेकिन जो दूसरा हमजा है उसका साउंड नर्म रहेगा, उसे नरमी से पढ़ेंगे। इसको कहते हैं तसहील। यानी जब किसी कलिमे में दो हमजा आ जाए, ठीक है, जब किसी कलिमे में दो हमजा आ जाए, खैर अभी मैं आपको ना उसमें उलझाना नहीं चाहती, इसको फिल वक्त अभी आप इसी तरह समझ लें, ठीक है। इब्दाल बदलने से है, इब्दाल बदलने से। और तसहील क्या है, ये आसानी से, नरमी से, आसानी से पढ़ने को कहते हैं। इब्दाल में बदलना, क्या चीज बदल रही है, थोड़ा इस तरह से है कि जब दो हमजा हो, ठीक है, दो हमजा एक साथ आ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि जो पहला हमजा है उसकी हरकत के मुताबिक हम दूसरे हमजा को हरफे मद्दा से बदल कर पढ़ते हैं। फिर तसहील क्या है, दो हमजा है तो हमने दोनों को पढ़ना है, पहले हमजा को हम जरा अच्छे से अदा करेंगे वाजे तौर पे, और दूसरे हमजा को हम नरमी से अदा करेंगे। तो इसको कहते हैं तसहील। अब हम इब्दाल के साथ मश्क करते हैं। इब्दाल क्या था, चलें ये देखें पहले, ये देखिएगा नीचे वाला, देखें पहले अ अल आना, इसको देखें, ये दो हमजा आ रहे हैं, ठीक है। अब देखें ये जो दूसरा हमजा है, ये देखना है, और पहला हमजा, पहले हमजा पर जबर आ रही है, ठीक, पहले हमजा पर जबर आ रही है। इसका मतलब है अब हम जो दूसरा हमजा है ना, इसको जब हम हरूफ मद्दा में से बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, फिर अलिफ मद्दा ही बनेगा ना, ठीक है। हमने दो हमजा हो, पहले पर जो हरकत होगी दूसरे हमजा को उस हरकत के मुताबिक हरूफे मद्दा में बदलना है। अब चूंकि जबर है तो हमेशा हरफे मद्दा जबर वाला वही होता है ना जब अलिफ से पहले जबर हो, इसलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा हमजा है ना, इसकी आवाज को हम अलिफ मद्दा से बदल देंगे। लेकिन यहां पर ऐसे हुआ है, ठीक है, यहां पर इस तरह से हुआ है जो मैं आपको ये बता रही हूं। दो हमजा थे, पहले हमजा पर जबर, तो दूसरे हमजा को हम इस जबर की वजह से हरूफ मद्दा बनाकर फिर हम इसको यहाँ छह हरकात के बराबर खींचेंगे। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, आना, छह हरकात के बराबर हम इसको खींचेंगे, आना, आना, ठीक है। इसी तरह आ, लो, फिर
इसी तरह इसको पढ़ेंगे रकावोइनी रकावोइनी रकावोइनी। ठीक है, ये इब्दाल है कि हमने दूसरे हमजा को पहले हमजा की हरकत के मुताबिक हरफे मद्दा से बदल दिया, इसको कहे इब्दाल। फिर तसहील क्या है, हम दोनों हमजा पढ़ेंगे लेकिन पहले हमजा को खूब वाजे करके और दूसरे को नरमी से। आ अल आ अल आना आ अल आना आ अल आ अल आ अल, इस तरह से नहीं बल्कि आ अल आ अल आना। फिर आ अल्लाहु, फिर इसको कैसे अरकाइनी अरकाइनी अरकाइन। जी कोई सवाल है आप में से किसी का? जी सबा बताइए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम ये जो आपने अदा किया है अल आना, इसमें जो अलिफ के ऊपर मद्दा है, इसको हम कितनी हरकात के बराबर खींचेंगे? यहां पर जी, सेकंड लाइन में तस्हील के साथ मश्क कीजिए, उसके हाँ नीचे जो हाँ लाइन है। जो दूसरा अलिफ है उसकी बात कर रहे हैं, जी मैम, लाम के बाद आ रहा है ना, उसको हम दो हरकात के बराबर खींचेंगे, जी, उसे दो और हरकात इसी के बराबर। तरह ऊपर भी दो हरकात के हाँ बराबर, ऊपर भी दो हरकात के जैसे बराबर। पहले अली कुछ। जी चलें, सही हो गया, यही पूछना था। हाँ जजाकल्ला। जी जज़ाकल्लाह बारकल्लाहु फीक। ठीक है, इसकी समझ आ गई आपको। अब हम आगे चलते हैं। जी अगला पॉइंट है हमारे पास, ये लफ्ज है। ठीक है, ये लफ्ज है, अक्सर व बेशतर जब हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो अक्सर लोग इस लफ्ज को गलत पढ़ते हैं। अब देखिए इसको सही पढ़ने का क्या तरीका है। तो इस कलिमे में लाम के दाई बाई जो दो हमजा लिखे हुए हैं, कौन सा लाम है? ये लाम। ठीक है, इसके दाएं ये हमजा और इसके बाएं ये हमजा लाम के साथ, वो पढ़ने में नहीं आते। उसके पढ़ने का तरीका ये है कि बी सा, ये जो लफ्ज है बी सा की सीन के बाद, बी सा की सीन के बाद जो ये वाला कलिमा है, इसमें हम इस लाम को जेर देकर सीन के साथ मिला के पढ़ते हैं। जेर देकर क्या, जेर ही लिखी होती है, बस देखने में हमें गलती लग जाती है तो हम उसी तरह पढ़ लेते हैं अब तक। ठीक है, बी सा सीन, इसको बी ईसा पढ़ के यहाँ पे हमने छोड़ देना है, सीन की हरकत को पूरा करके इधर छोड़ के फिर आगे जो ये वाला कलिमा है इसकी लाम के नीचे जेर है और इस जेर को हम सीन के साथ मिलाएंगे, इस सीन के साथ मिलाएंगे तो ये बन जाता है लिस, बी सा लिस। ठीक है, बी ईसा की सीन के बाद अल इस्मु में लाम को मकसूर, मकसूर से मुराद जिस इसको जेर देकर, ठीक है जेर देंगे और फिर इस्लाम को सीन से मिलाकर पढ़ते हैं तो ये बन जाता है बी सा लिस्मु, बी सल इस्मु नहीं बल्कि बी सा लिस्मु, लिस्मु। मश कीजिए, बी सा लिस्मु बी सा लिस्मु बी सा लिस्मु बी सा लिस्मुल फुसूक बादल ईमान। फिर ये बताया जा रहा है कि बी सल इस्मु, ये पढ़ना तो बिल्कुल गलत है, ये बनता ही नहीं है ऐसे क्योंकि इसका रस्म अल खत ही इस तरह से है, बी सा लिस्मु, तो इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, ये एक ही जगह पे कुरान पाक में एक ही जगह पे इस तरह से है। फिर जी हाँ, अब हमारे पास अगला पॉइंट ये क्या है, मालिया हलका, मालिया हलका, इसको भी पढ़ने के दो तरीके हैं, मालिया को हला के साथ पढ़ने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि इस हा और इस हा को अलहदा अलहदा पढ़ना। ठीक है, जब हम पहली हा पढ़ें तो यहाँ हम रुकें, रुकने के बाद हम दूसरी हा को पढ़ें,
दो अलग अलग हा से पढ़ें, लेकिन पहली हा के बाद जरा रुक कर, जैसे मालिया हलक, इसको इजहार कहते हैं। इजहार का माना जाहिर करना, जब हम पहले हा की आवाज को बिल्कुल जाहिर करके पढ़ रहे हैं ना, इसलिए इसको कहा इजहार। फिर दूसरा कायदा क्या है, या के बाद एक हाए मुशद्दद से, मतलब या पढ़ने के बाद इन दोनों हा को एक ही हा बनाकर मुशद्दद अदा करना। तो ये हो गया इदगाम। इदगाम क्या था, जब दो हरूफ एक जैसे हों, करीबुल मखरज या एक ही मखरज के, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक, तो पहले की आवाज साकिन हर्फ की आवाज मुतहर्रक में चली जाए तो उसे कहते हैं इदगाम। तो दूसरा तरीका यही है ना, या के बाद दोनों हा को एक हा बनाकर फिर उस पर तशदीद लगाकर पढ़ते हैं, जैसे मालिया हलका। फिर जब इसको इकट्ठा ही पढ़ना था, इदगाम हुआ तो मालिया हलका, तो फिर इसको इदगाम कहते हैं। अब पहले तरीके के साथ मश्क कीजिए, यानी इजहार के साथ। तो कैसे पढ़ेंगे, मालिया हलक मालिया हलक। फिर आयत के अंदर कैसे पढ़ेंगे हम इसको, मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। फिर दूसरा तरीका इदगाम के साथ, फिर कैसे पढ़ना है, मालिया हलक मालिया हलक। फिर आयत में इदगाम के साथ कैसे पढ़ेंगे इसको, अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। ठीक है जी, सबा बताइए। मैम, ये जो आप मालिया पढ़ रही हैं, जब हम ये या पे रुकते हैं, वक्फ करते हैं, तो एंड पे हा की आवाज निकलेगी? हाँ हाँ बिल्कुल, मालिया, ठीक है, ठीक है मालिया हलक बिल्कुल निकलेगी, तभी तो इजहार होएगा ना, कि हम इस हा जी। को जाहिर करके पढ़ेंगे, इसीलिए इसका नाम इजहार है। ओके, ठीक हो गया, दोबारा से जजाकला। पढ़ लेते हैं हम इसको, पहले तरीके के साथ यानी हा के इजहार के साथ, मालिया, ठीक है, मालिया हलक तो मालिया। मैम, अगर इसको, अगर इसका इजहार हम ना करें, तब भी ये सही है? दो तरीके इसलिए बताएं, आप चाहे इससे पढ़े चाहे इससे, दोनों दुरुस्त, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। मतलब हम अगर हाली पढ़े मालिया, हा को हम यहाँ जाहिर नहीं कर रहे, तो ये तब भी दुरुस्त है? नहीं, क्या मतलब एक समझ मिनट नहीं आई मुझे आपकी बात की, आप ये कह रहे कि अगर हा को पढ़े ही ना, जी, क्योंकि ये साकिन हो रहा है ना। नहीं, साकिन हर्फ जब होता है ना तो हर्फ बाकी रहता है, उसकी हरकात हज़्फ़ होती है, हर्फ तो पढ़ते हैं, हमने कहीं भी ऐसे नहीं पढ़ा ना वक्फ़न, कोई भी हर्फ तो हमने छोड़ा नहीं साकिन की सूरत में, हर्फ तो हज़्फ़ नहीं जी होता, हर्फ का ठीक है साउंड बाकी रहता है, बस हरकात हज़्फ़ होती ठीक है ठीक है मैम, जजाकला। वही आख। जैसे ये देखे ना, लफ्ज हाला का है ना, हला का, अब अगर यहां पर हमने वक्फ करना है तो क्या पढ़ेंगे, हाला, हलक हाँ हा हलक, काफ पढ़ रहे हैं ना, जी, काफ का साउंड है, तो यहाँ हा का भी रहेगा, मालिया हलक, ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो इस कायदे को कहना है इजहार, क्योंकि हम यहाँ पहले हा की आवाज को जाहिर करके पढ़ रहे हैं, और ठीक है दूसरे हा को हम दूसरे इस हा से, पहले हा को दूसरे हा में मुदगम करके पढ़ रहे हैं, तो ये मुशद्दद हा एक ही बार अदा होगा, ठीक, यानी दोनों हाँ इकट्ठे एक साथ मुशद्दद अदा होंगे, तो इसको कहा ये इदगाम है, मालिया हलक, रुकना नहीं है इस दोनों के दरमियान, ठीक है, इदगाम में जी। मालिया हलक। तो आयत में हम पूरे ध्यान से पढ़ेंगे, मालिया हलक मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया, ठीक है। बाकी आज के सबक का आखिरी पॉइंट, ये लफ्ज हमारे पास है, फी ही मुहाना,
इसको कैसे पढ़ना है? पढ़ के बता दिया मैंने आपको, इसमें हा को कुछ खींच कर पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमारी जो किराते हफ्स है, रिवायते हफ्स हम पढ़ते हैं, हमारा कुराने पाक इमाम हफ्स के तरीके पर है, ठीक है? तो उन्होंने जो तरीका अख्तियार किया है, हमें हर सूरत उसी तरीके के मुताबिक पढ़ना है। इसलिए हम इसमें फी ही हुदन, जैसे अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रोइबा फी ही हुदन, ऐसे पढ़ते हैं, फी ही हुदन लिल मुत्तकीन, फी ही हुदन। तो हमने इसको फी ही मुहाना नहीं पढ़ना, ठीक है? फी ही हुदन की तरह फी ही मुहाना पढ़ना गलत है, ये दुरुस्त नहीं है। सही क्या है? सही ये है कि हम इस हा को थोड़ा खींचेंगे। किस तरह से पढ़ेंगे? फी ही मुहाना, यहाँ वक्फ की सूरत में मैं इसको अलिफ मद्दा के साथ पढ़ रही हूँ, वैसे मुहानन है, ठीक है? लेकिन हमने पढ़ा था ना, जब दो जबर पर वक्फ करते हैं तो फिर हम उसे अलिफ मद्दा के साथ पढ़ते हैं, यानी एक जबर खत्म हो जाता है, एक जबर को अलिफ मद्दा के साथ मिला के दो हरकात के बराबर खींच के अदा करते हैं। फी ही मुहाना, फी ही मुहाना। फिर आयत में इसको कैसे पढ़ेंगे? व यखलुद फी ही मुहाना, व यखलुद फी, व यखलुद फी ही मुहाना, ये नहीं, बल्कि इस हा को खींचेंगे, व यखलुद फी ही मुहाना, ठीक है? नहीं और बात नहीं पड़ेगा बने ठीक है, ये अल्लाह हमारा आज का सबक यहाँ पर मुकम्मल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सबा, बताइए बताइए। मैम, ये जो आपने फी ही पढ़ा है, ये तो जब खड़ी जबर हा के नीचे होगी तब हम हा को खींच के पढ़ेंगे ना? इस पे अगर खड़ी जबर नहीं भी होगी ना, तो आप हमने फिर भी इसको ऐसे ही पढ़ना है। वैसे हमें हमारी जो हमारे पास मुसहफ है ना, हमें उसमें इसी तरह लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है? इसी तरह ही लिखा हुआ मिलेगा। सही। और अगर इन और अगर केस, ना भी यहाँ खड़ी जेर हो ना, जी जेर भी हो, तो भी रूल उसूल के मुताबिक, रिवायत हफ्स के मुताबिक हम इसको खींच कर ही पढ़ेंगे। और पूरे कुरान में यही एक लफ्ज ऐसे है जहां पर अल्लाह, ये है, ठीक है? इस तरह से, इसलिए इसको समझने में कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है। ये नहीं है कि अब और कहीं पर ऐसे होगा तो हमें कैसे पता चलेगा, बस ये लफ्ज ऐसे पढ़ा जाएगा। सही है, ठीक है, अयो समझे, आज हमने जज़ाकअल्लाह। मतलब ये जो पढ़े पीछे, हाँ ये भी इस तरह से, और ये भी पूरे कुरान में एक ही कलिमा है, और ये सिर्फ तीन ही जी कलिमात ऐसे हैं जिनको इस तरह से पढ़ना है हमने, ठीक है? हाँ, जी ठीक है, जज़ाकअल्लाह। यहाँ पर इस जैसे और भी अल्फाज हो सकते हैं, यानी करीबुल मखरज या सेम मखरज, एक जैसे अल्फाज, या ऐसे अल्फाज जिनका मखरज तो सेम हो लेकिन अल्फाज चेंज हो, या अल्फाज एक जैसे हैं मखरज तब्दील है, उनमें फिर इस तरह से हो जाता है, ठीक है? ये इंशाल्लाह हम कायदे से पढ़ेंगे ना, वहां इसकी और अच्छी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। बाकी अगर कोई इंशाल्लाह, मजीद सवाल है किसी का भी तो लाजमन पूछिए। थैंक यू मैम, आज के सबक समझ आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि बहुत आपका शुक्रिया। शुक्रिया, आज आप क्लास में बोले, बहुत अच्छा लगा। शायद आप कल भी बोले हो, पर कल मुझे पता नहीं, कल थे आप क्लास में? नहीं, जी कल मैं आई थी और फिर मेरा नेट का प्रॉब्लम हो गया था फिर सही सही, क्लास ठीक है। जज़ाकिल्लाह, बारकल्लाहु फीक, में। अल्लाहुम्मा आमीन। ठीक है, फिर हम दुआ पढ़ लेते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।